गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल आप लोग को बता दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोर। कोर किसे कहते हैं? कोर का मतलब होता है पृथ्वी का केंद्र, ठीक, अंदरूनी भाग, सबसे अंदरूनी भाग जो पृथ्वी का है, जिसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। इट्स मीन्स पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है। इट्स थिकनेस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर होती है। इट इज मेड ऑफ निकेल एंड आयरन एंड हेंस इज नॉन एज नाइफ। यानी निकेल को Ni और आयरन को Fe, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मेरा नाइफ बनता है, ठीक है। या निकेल और लोहा से बना है और इसके लिए इसे नाइफ के रूप में जाना जाता है। इट्स डेंसिटी इज अबाउट 11 g/cc। द कोर इज डिवाइडेड इंटू द आउटर कोर एंड इनर कोर। इसका घनत्व तो लगभग 11 g/cc है और कोर को बाहरी कोर और आंतरिक कोर के विभाजित किया गया है। कोर को भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक बाहरी कोर जिसको हम लोग आउटर कोर बोलते हैं और एक इनर कोर जो अंदरूनी कोर कहते हैं। द आउटर कोर हैज द टेम्परेचर ऑफ 3700 डिग्री सेल्सियस एंड इज इन ए मोल्टेन स्टेट। बाहरी कोर का तापमान 3700 यानी 3700 डिग्री सेल्सियस होती है और ये पिघले हुए अवस्था में होती है। द इनर कोर हैज ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस बट इज स्टिल इन ए सॉलिड स्टेट। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेट ऑफ द रॉक दैट लाई अबाउट इट। इट्स मीन्स इनर कोर का तापमान यानी जब सबसे अंदरूनी कोर जो होता है उसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यह अभी ठोस अवस्था में है। इसका कारण चट्टानों के वजन से अत्यधिक दबाव होता है जो इसके ऊपर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टान और खनिज के बारे में। चट्टानों और खनिज, जियोलॉजिकल स्पीकिंग रॉक्स इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वेदर इट इज हार्ड लाइक ग्रेनाइट या सॉफ्ट लाइक क्ले। दे आर एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस मिनरल्स। इट्स मीन्स भूवैज्ञानिक रूप से बोलते हुए चट्टानों में पृथ्वी की पपड़ी के सभी ठोस पदार्थ शामिल होते हैं, चाहे वह ग्रेनाइट की तरह सख्त हो या हार्ड हो या मिट्टी की तरह नरम या मुलायम, वे विभिन्न खनिजों का एक समूह होता है। मिनरल्स, मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट विच कंटेन वन या मोर एलिमेंट। दे हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे मे बी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक। इट्स मीन्स खनिज प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी के पपड़ी में पाए जाते हैं।
जिनमें एक या एक से अधिक तत्व होते हैं उनकी निश्चित रासायनिक रचनाएं और भौतिक गुण होते हैं। वे धात्विक या अधात्विक हो सकते हैं। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर एंड मीका आर सम कॉमन रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। मिनरल्स वेरी इन कलर टेक्सचर हार्डनेस एंड लुस्टर्स। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल्स। इवन द एडिबल्स सॉल्ट या हेलिटिट इज ए मिनरल्स। इट्स मीन्स क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार और अब्रक कुछ सामान्य चट्टान बनाने वाले खनिज हैं। खनिज रंग, बनावट, कठोरता और चमक में भिन्न भिन्न होते हैं। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है। यहाँ तक कि खाद नमक, यानी जो हम लोग नमक खाते हैं, या सेंधा नमक एक खनिज है। रॉक्स डू नॉट हैव ए डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। सम रॉक्स कंटेन मेटल इन लार्ज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर। हिमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। विल बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सम रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। द टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, ड्रेनेज एंड सॉइल। इट्स मीन्स चट्टानों में एक निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है। कुछ चट्टानों में बड़ी मात्रा में धातुएं पाई जाती हैं जिन्हें आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। ऐसी चट्टानों को अयस्क कहा जाता है। हेमाटाइट लोहे का एक अयस्क है, जबकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी कुछ चट्टानों का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के प्रकार, भूमि के प्रकार, जल निकासी और मिट्टी को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार। चट्टान कितने तरह के होते हैं, ठीक। ऑन द बेसिक ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, जीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। इनके गठन के मूल में चट्टानों को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट जो है इंजीनियस रॉक, जिसको हम लोग अग्नेय चट्टान बोलते हैं। सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम लोग तल छट्टी चट्टान बोलते हैं। और थर्ड जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम लोग रूपांतरित चट्टान या बदलाव करने वाले चट्टान भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में जानेंगे, अग्नेय चट्टान के बारे में, कि अग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। द टर्म इग्नियस इज डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इग्निस मीन्स फायर। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन वेरी हॉट मोल्टेन मटेरियल्स कॉल्ड मैग्मा। व्हेन द मैग्मा रिच द अर्थ सरफेस थ्रू क्रैक एंड क्रिवाइस या थ्रू वोल्केनिक इरुप्शन इट इज कॉल्ड लावा। इट्स मीन्स अग्नेय चट्टान
शब्द लैटिन भाषा के इग्निस आदात आग से लिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के सतह पर दरारे या ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से बाहर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा आइदर इनसाइड ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंजीनियस रॉक्स। दे हैव हार्ड एंड क्रिस्टलिन इन नेचर। इट्स मीन्स पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने और जमने से धरती के अंदर या सतह पर अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। वे स्वभाव से कठोर और क्रिस्टलीय होते हैं। इंजीनियस रॉक्स आर फॉर्म आइदर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ या एबव इट। द मैग्मा कूल स्लोली बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। सच रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव एंड प्लूटोनिक रॉक्स। ग्रेनाइट एंड डोलाइट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स। इट्स मीन्स अग्नेय चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे या उसके ऊपर बनती है। मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े क्रिस्टल बनते हैं। ऐसी चट्टानों को इंट्रूसिव का अर्थ होता है अंतभेदी चट्टान या प्लूटोनिक। इंट्रूसिव का अर्थ होता है अंतभेदिक चट्टान जिसको हम लोग बोलते हैं, या प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। ग्रेनाइट और डोलराइट ऐसे चट्टानों के अच्छे उदाहरण होते हैं। तो ऑल स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो ऑल ऑफ यू, आप इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।